नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। आप समस्त जिलेवासियों को मोहर्रम की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। आप सभी को मोहर्रम मुबारक हो। धौलपुर में मातमी धुनों के साथ निकले ताजिए। धौलपुर जिले में मोहर्रम ताजिया का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं जिले भर में केवल मुस्लिम भाइयों ने ही नहीं बल्कि हिंदू लोगों ने भी ताजिए बनाकर रखे और उनकी सजावट की। रीति रिवाज के अनुसार जिले भर में मोहर्रम ताजियों का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ व पूरे शहर भर में लाइटों से सजावट की गई और ताजिए के पर्व को देखते हुए पूरे शहर भर में काफी भीड़ रही। ताजिए के पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन का पूरा पूरा सहयोग रहा। पुलिस प्रशासन के नौजवान चप्पे चप्पे पर नजर आए। मातमी दोनों के साथ ताजिया निकाले गए। वहीं बाजार में महिला पुरुष बच्चे बूढ़े और युवक युवतियां ताजियों को निहारते हुए नजर आए। मुस्लिम भाइयों ने जगह जगह खाने पीने की वस्तुओं की स्टॉल भी लगाई, जिसमें आइसक्रीम, पूरी, सब्जी, चिप्स, पापड़, शरबत, कॉफी, केले, पेठा, टॉफी आदि के स्टॉल लगाए। वहीं लड़कियां व महिलाएं की दुकानों पर खरीदारी करते हुए नजर आए, जिसमें कॉस्मेटिक व ज्वेलरी का सामान, इसके बाद आइसक्रीम, चाट पकौड़े, कोल्ड ड्रिंक, छोले भटूरे, समोसे और गोलगप्पे खाने में महिलाएं और लड़कियां पीछे नहीं रही। मोहर्रम ताजिए के पर्व को लेकर बाजार में काफी रौनक देखने को मिली। वहीं पुलिस प्रशासन के सहयोग से ताजिया पुराना शहर से होते हुए फूटा दरवाजा, हरदेव नगर, पुरानी नगर परिषद होते हुए ईदगाह से मुख्य मार्गों से होते हुए मोहर्रम ताजिया का जुलूस निकाला गया, जिसमें मोहम्मद सफी गौरी, शहर काजी, शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी सहित सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकुलिया की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं वर्ष भी में प्रतिवर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का सबसे पुराना एकमात्र विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदिरा कॉलोनी आउटडोर के पीछे धौलपुर स्वर्गीय श्रीमती कांता मल्होत्रा द्वारा 1977 में स्थापित कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय विज्ञान कला एवं वाणिज्य नॉट शिक्षित एवं अनुभवी योग्य शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य, छोटे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाने की उचित व्यवस्था, छात्र छात्राओं के लिए नई शिक्षण तकनीकी द्वारा शिक्षण कार्य, खेल कूद हेतु मैदान, स्वच्छ वातावरण, शुद्ध पेयजल एवं विद्युत की व्यवस्था, न्यूनतम शुल्क में अच्छी शिक्षा प्रदान करने वाली जिले की एकमात्र संस्था, अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य और सर्वांगीण विकास हेतु आज ही प्रवेश के लिए संपर्क करें। निदेशक अशोक मल्होत्रा, मोबाइल नंबर 9460956307। प्रधानाचार्य विवेक शर्मा, मोबाइल नंबर 9461025746। सरमथरा कस्बे में मातमी धुनी के साथ निकाले गए ताजिए। सरमथरा कस्बे में मोहर्रम के पर्व पर मुस्लिम बस्तियों में रखे गए ताजिए बुधवार को मातमी जुलूस के साथ निकाले गए। युवाओं ने जुलूस के दौरान हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। ताजियों के साथ ही मातमी जुलूस का आयोजन हुआ। ताजियों के आगे लोगों ने शीश झुकाकर अमन चैन की दुआ मांगी। कस्बे के पटा चौक, दीवान गली और फोंदा का चौक सहित अन्य स्थानों पर ताजियों का जुलूस के रूप में घुमाया गया। ताजिए के जुलूस के दौरान पुलिस प्रशासन की भी मुस्तैदी नजर आई। सरमथरा थाना प्रभारी गौरव कुमार मय पुलिस जाप्ता के कस्बे के बाजार में लगातार गश्त करते हुए नजर आए और के बाद शाम के समय ताजियों को करबला में दफन किया जाएगा। रात भर जियारत करने में जुटे रहे। कस्बे में मंगलवार को कत्ल की रात के तहत रात 12 बजे से निर्धारित मार्गों से ताजिए निकाले जाने के तहत शाम को ही ताजिए रखे गए। उसके बाद से ही ताजियों की जियारत करने का दौर शुरू हुआ, जो रात भर जारी रहा। महिला पुरुष अकीदतमंद ने पहुंचकर ताजिए की जियारत की। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट को समझने और उनको दूर करने को शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलम्ब न करें, आज ही अपने बच्चों को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें।
सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी जेल रोड धौलपुर, प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी, मोबाइल नंबर 9928623387 और 9414028066 और 8058100046। अग्रवाल महिला मंडल ने किया वृक्षारोपण, एक दर्जन से अधिक लगाए पेड़ पौधे। बुधवार को अग्रवाल महिला मंडल ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कस्बे के वाराखमा हनुमान जी मंदिर और कोई बाइकी खान सहित अन्य जगहों पर करीब एक दर्जन से अधिक पेड़ पौधे लगाए और पेड़ों की देखभाल व उनमें प्रतिदिन पानी भरने का संकल्प लिया। इस संदर्भ में अग्रवाल महिला मंडल अध्यक्ष सपना गोयल ने बताया कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए तथा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हमें पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। पेड़ पौधे के माध्यम से प्रकृति सभी प्राणियों पर अनंत उपकार करती है। पेड़ पौधे हमें छाया प्रदान करते हैं। फल फूलों की प्राप्ति हमें पेड़ पौधों से ही होती है। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है जो हमें जीवित रखने के लिए बहुत आवश्यक है। कई पेड़ पौधों की छाल औषधि बनने के भी काम आती है। पेड़ों से हमें कागज की भी प्राप्ति होती है। पेड़ पौधों की सूखी पत्तियों से खाद बनती है। पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं, अतः हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। आज हम अपने लालच के लिए पेड़ पौधे काटकर अपने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे पक्षियों के घर रहे हैं और वातावरण भी दूषित हो रहा है। वृक्ष काटने से ही बाढ़, भूमि स्खलन आदि होते हैं। वृक्षारोपण के दौरान नीलम गोयल, अंजना गोयल, मुनि देवी, रचना, गीता गोयल, पिंकी राधा सहित अन्य महिलाएं मौजूद रही। सर्वत्रा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनो पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाकी सैपो धौलपुर। हमारे विद्यालय के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी जिसमें रोहित चौहान ने 93%, लकी 91, अंजलि 89, सोनू 89, देवांश 87, अजय सिंह 86, विवेक 85, संध्या 85, यस 85, अंजना 84, कृष्णदेव उपाध्याय 84, अमन शर्मा 84, कक्षा 10वीं के विद्यार्थी मनीषका 93, कल्पना 92, विवेक कुमार 89, पुष्पेंद्र चौहान ने 85% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, इतिहास, संस्कृत, मैथ और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं चलाई जाती हैं। एडमिशन ओपन, जल्दी करें। हमारा पता है जाकी सापो रोड धौलपुर, प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा, मोबाइल नंबर 9983673307, निदेशक हरिओम उपाध्याय, मोबाइल नंबर 8440917707। अवैध शराब सहित एक गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवैध शराब के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत सरमुत्रा थाना प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम राजपाल मल्लाह निवासी पाली थाना सोने का गुर्जा को बकरी प्रजनन केंद्र सोने के गुर्जा रोड से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने उक्त मुलजिम के कब्जे से अवैध शराब के 96 पौवे एवं 24 बियर की बोतल भी बरामद करते हुए एक मोटरसाइकिल भी जब्त करते हुए उक्त मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी किया है। कार्यवाही में थाना प्रभारी गौरव कुमार, अशोक सिंह, वीरेंद्र जिगंबर, धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE एफिलिएटेड स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, फुली AC विद स्मार्ट क्लास, घंटाघर रोड धौलपुर, एडमिशन ओपन। बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर बामनी नदी पुल के पास एक अनियंत्रित अड़कटिका गाड़ी ने टेम्पो सवार एक ही परिवार के लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए जिन्हें बाड़ी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि बसेड़ी के निवासी यह लोग बाड़ी में अपने छोटे बच्चे को
बच्चों के डॉक्टर को दिखाने आए थे, जहां से वापस गांव लौट रहे थे। घटना को लेकर घायलों के साथ आज पिपरौन गांव निवासी बनवारी पुत्र शिरोमणि वर्मा ने बताया कि उनके मामा राधेश्याम का लड़का कृष्ण मुराड़ी अपने छोटे बच्चे रिंकू को बाड़ी बच्चों के डॉक्टर को दिखाने आया था, जिसके साथ वह और उनकी भाभी कमलेश साथ में थी। बाड़ी में रिंकू को दिखाने के बाद वे लोग टेम्पो से वापस गांव पिपरौन जा रहे थे। इस दौरान बामनी नदी पुल के पास वसेड़ी की ओर से आ रही एक अनियंत्रित तेज गति अर्टिका गाड़ी ने टेम्पो में टक्कर मार दी, जिसमें टेम्पो सड़क किनारे पलट गया। दुर्घटना में टेम्पो सवार सभी लोग घायल हो गए। हालांकि छोटे बच्चे रिंकू को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन कमलेश की हालत गंभीर है। साथ में कृष्ण मुरारी भी चोटिल हुआ है। ऐसे में सभी को चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया है। दुर्घटना में टेम्पो में बैठा एक अज्ञात व्यक्ति भी घायल हुआ है, जिसका उपचार बाड़ी अस्पताल में चल रहा है। सामुदायिक सहभागिता लेकर एबीवीपी ने किया सैपो थाना क्षेत्र में पैसे जमा कराने ई मित्र पर गए एक बाइक सवार की बाइक की डिग्गी से 90,000 रुपए पार हो गए। बाइक से पैसे निकालने वाले दो आरोपी बैंक के सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं, जिसको लेकर पीड़ित ने थाने में शिकायत दी है। सैपो थाने में शिकायत देने पहुंची पीड़ित बनवारी लाल शर्मा निवासी घड़ी लज्जा ने बताया कि वह पैसे जमा करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक में गया था, जहां बैंक में पैसे जमा करने में देरी होने की वजह से वह मेरे पास के ही ई मित्र पर चला गया। बैंक से निकलते ही बाइक की डिग्गी में रखे पैसों को एक युवक ने निकालने का प्रयास भी किया, जिसमें विफल होने के बाद जैसे ही बाइक सवार ई मित्र पर पहुंचा, तभी दो लोग उसकी बाइक की डिग्गी में रखे 90,000 रुपये निकाल कर ले गए। पीड़ित द्वारा दी गई शिकायत में बताया गया है कि युवक दो बैंक से ही उसकी रेकी कर रहे थे, जो निगाह बचाकर उसके पैसे पार कर ले गए। घटना को लेकर पीड़ित बनवारी लाल शर्मा ने सैपो थाने में लिखित शिकायत दी है, जिस शिकायत पर बैंक के सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध युवक भी नजर आया है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। देश जैन, राजेश शर्मा, संजय जैन, अरुण गोले, राजा भगेल, प्रमोद राठौर, अंकित सिसोदिया, रोहित कुमार, चुन्ना भाई पानवाले, जैन मेडिकल स्टोर आदि लोग मौजूद रहे। ग्यारह पेड़ लगाकर कार्यकर्ताओं के साथ मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने मनाया अपना जन्मदिन। एक वृक्ष माँ के नाम अभियान को गति देते हुए आज आदर्श विद्या मंदिर राजाखेड़ा में मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा के जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता ने 11 पौधे लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को गति प्रदान की। इस अवसर पर मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुंदन सिंह एडवोकेट ने पर्यावरण सुधार के लिए वृक्षारोपण पर बल दिया और राजाखेड़ा के पूर्व विधानसभा प्रभारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने परवरिश के साथ पेड़ लगाने के संकल्प की और उनको जन्मदिन की भी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। इसके क्रम में हेम सिंह पचौरी ने अपने बाग लगाने का संकल्प को दोहराया और बताया कि अब तक 70 पेड़ लगाए गए हैं, जो यह क्रम जारी रहेगा। इस मौके पर प्रदीप आचार्य, ओम जहान, राजकुमार कुशवाहा, रामशंकर लहचोरिया, उमाकांत एडवोकेट, दुशासन कुशवाहा पार्षद, याजवेंद्र, दिलीप पारासर, प्रशांत मुदगल, राजेश कुमार, विद्यालय के व्यवस्थापक अनूप गुप्ता सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंडल अध्यक्ष भाजपा मधुसूदन शर्मा ने कहा कि वृक्षारोपण कार्य अगस्त तक चलता रहेगा। सैपो थाना क्षेत्र में पैसे जमा कराने ई मित्र पर गए एक बाइक सवार की बाइक की डिग्गी से 90,000 रुपए पार हो गए। बाइक से पैसे निकालने वाले दो आरोपी बैंक के सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं, जिसको लेकर पीड़ित ने थाने में शिकायत दी है। सैपो थाने में शिकायत देने पहुंची पीड़ित बनवारी लाल शर्मा निवासी घड़ी लज्जा ने बताया कि वह पैसे जमा करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक में गया था, जहां बैंक में पैसे जमा करने में देरी होने की वजह से वह मेरे पास के ही ई मित्र पर चला गया। बैंक से निकलते ही बाइक की डिग्गी में रखे पैसों को एक युवक ने निकालने का प्रयास भी किया, जिसमें विफल होने के बाद जैसे ही बाइक सवार ई मित्र पर पहुंचा, तभी दो लोग उसकी बाइक की डिग्गी में रखे 90,000 रुपए निकाल कर ले गए। पीड़ित द्वारा दी गई शिकायत में बताया गया है कि युवक दो बैंक से ही उसकी रेकी कर रहे थे, जो निगाह बचाकर उसके पैसे पार कर ले गए। घटना को लेकर पीड़ित बनवारी लाल शर्मा ने सैपो थाने में लिखित शिकायत दी है, जिस शिकायत पर बैंक के सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध युवक भी नजर आया है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। तीन से 45 वर्षीय व्यक्ति लापता, परिजनों ने कराया मामला दर्ज। वसेड़ी क्षेत्र के गांव मुंडिक में एक व्यक्ति के लापता होने का मामला सामने आया, जिसको लेकर बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण वसेड़ी पुलिस थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। पीड़ित के भाई किंगपाल पुत्र भगवान सिंह जाति ठाकुर निवासी मुंडिक ने पुलिस में दी गई तहरीर में बताया कि उसका भाई भंवरपाल उर्फ पप्पू 15 जुलाई को ग्राम पुटपुरा में बचन ठाकुर की पुत्री की शादी में शामिल होने गया था, जहां पर पप्पू, राजकुमार, रामू और कल्ला जाति ठाकुर निवासी
त्रिपुरा के द्वारा उसे शराब पिलाई गई, जिसके बाद से ही उसके भाई भंवरपाल का कोई अता पता नहीं चला। घर वालों ने भंवरपाल को ढूंढने का काफी प्रयास किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा, जिससे उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा बना हुआ है। किंगपाल ने बताया कि पप्पू राजकुमार रामू कल्ला द्वारा रंजीश वास उसके भाई का अपहरण कर लिया गया है या उसे मार दिया गया है, क्योंकि दो दिन पहले आकाश के सामने पप्पू ने भंवरपाल को अकेले में मारने की धमकी दी थी। थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। पप्पू ठाकुर भगवान सिंह ठाकुर गायब है परसों से, उसकी कार्रवाई में हम यहाँ थाने आए हैं। थाने वालों ने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी हम उसको निकाल के देंगे।